हमारे किसान भाइयों के लिए एक खुशखबरी लेके आए हो आप कि एनवीटी कंपनी के ऊपर फाइनेंस की सुविधा है जी। तो किसान भाइयों को आप बताइए कि किस प्रकार वो मिलेगी। देखो, आधार कार्ड का सिविल चेक होते ही 72 घंटे के अंदर अंदर किसानों को जो है लोन की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी हिंदुस्तान के किसी भी कोने के अंदर। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त राकेश जाट। दोस्तों आज मैं आया हूँ एनवीटी कंपनी इलाहाबाद हरियाणा, किसान भाइयों की जो पहली पसंद बनी हुई एनवीटी उसके हेड ऑफिस में आज मैं आ पहुँचा हूँ और हमारे साथ मौजूद है कंपनी के ओनर मक्कन सिंह जी हंजरा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। दुनिया के कोने कोने में बसे हुए उन किसान भाइयों का एनवीटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद, स्वागतम, वेलकम। हमारे किसान भाइयों के लिए एक खुशखबरी लेके आए हो आप कि एनवीटी कंपनी के ऊपर फाइनेंस की सुविधा है जी। तो किसान भाइयों को आप बताइए कि किस प्रकार वो मिलेगी। देखो, आधार कार्ड का सिविल चेक होते ही 72 घंटे के अंदर अंदर किसानों को जो है लोन की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी हिंदुस्तान के किसी भी कोने के अंदर। और आज रुकेश जी, जो आपको हम फैसले की जानकारी देने वाले हैं ये एनवीटी जेड मॉडल 2023 का बनाया मॉडल एनवीटी जेड मॉडल। दोस्तों 2023 के अंदर सर ने नया मॉडल निकाला जेड मॉडल, तो सर शुरुआत करते हैं मशीन की जेड मॉडल के साथ क्या बदलाव किया सर आप? देखो, अगर जेड मॉडल की बात करें तो इसके फोर फैन लगे हुए हैं। बिल्कुल, पंखे की जो है वो साइज में पंखा बड़ा है और शाफ्ट का भी सेंटर से ज़्यादा है। अच्छा। दूसरी, अगर चलने की बात करें तो चलने की लंबाई इसकी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा। चलने की लंबाई ज़्यादा होने से पंखा जो है वो केवल और केवल भूसे को पकड़ता है, दाना जो है वो जाली से नीचे गिर जाता है। अच्छा। और इसमें साइज मतलब जो इसका ड्रम है, ड्रम का साइज भी बड़ा है और साइजों में व्हील भी बड़े दिए गए हैं, व्हील बड़े एनवीटी जेड मॉडल के अंदर। अच्छा। और सबसे बड़ी जो बात ये जो कि आपको बता दूँ एनवीटी जेड मॉडल के अंदर, बिल्कुल ये देखो इसका 6 फुट लंबा फीडर दिया हुआ है, 6 फुट और डुपैक्स इसके अंदर चैन दी गई है। अच्छा। चाहे गेगरी भी दाना भी अकेला डोली के अंदर डाल देंगे तो भी फीडर के माध्यम से चला जाएगा, डोली में बिल्कुल भी जो माल नहीं रुकेगा। और बैक की जो चलने की इसकी लाइफ है वो अन्य थ्रेसर से 4 गुना ज़्यादा है एनवीटी जेड मॉडल के अंदर। तो सर जेड मॉडल के आपने बदलाव जो मेरे को दिख रहा है कि देखो सर, आप देख सकते हो ज़मीन से मात्र 2.5 से 3 फुट की दूरी के ऊपर सर ने टोकरी बनाई हुई है, और लंबाई की बात करें सर आपने जो बीच में रोलर लगाए हुए हैं उसके देखते हो कि जो माल डोली में अपन डालेंगे उसमें बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं होने वाला है। अगर रोलर की बात करें तो सर आपने जो सिस्टम अलग बनाया हुआ सर फोल्डिंग सिस्टम में बनाया हुआ सर आपने? जी जी बिल्कुल, ये पूरे का पूरा सिस्टम इसके अंदर जो है वो फोल्डिंग है, और इसके जो ऊपर से जो माल आएगा ये भी अंदर साइडों में नहीं बिखरेगा, इसके अंदर चला जाएगा। ये बहुत अच्छा बदलाव है, खिड़की से अगर आएगा सर। इसके अलावा बात करें अपन इस मशीन के अंदर जी वर्म की बात करते हैं जी, कितने इंची मोटाई सर ये वर्म लगा है? 7 इंची पाइप का हैवी वर्म लगा हुआ है ताकि जो है जैसा भी माल चाहे माल कम आए या ज़्यादा आए बिल्कुल सही तरीके से बिना चोक हुए वापस डोली के अंदर चला जाए। सर इसके अलावा बात करें व्हील काफ़ी बड़े लग रहे हैं सर इस मशीन के अंदर जी। सर कितने इंची लंबे व्हील है सर इसमें? देखो ये 34 इंची का व्हील है, ड्रम जाल इसका बड़ा है। अच्छा। ड्रम का अंदर से घेरा भी बड़ा है और अंदर का ड्रम जाल भी बड़ा है। ड्रम जाल बड़ा होने से ट्रैक्टर पे लोड कम पड़ता है, और जेड मॉडल की अगर बात करें तो मैक्सिमम ये मान के चलो कि 1 घंटे के अंदर 400 ग्राम डीजल ये कम खाएगा, कम से कम 400 ग्राम डीजल। और सर बात करें कि सर कितने HP ट्रैक्टर के ऊपर सर ये मशीन ऑपरेट होने वाली है? देखो अपने पास 32, 38 यानी 32 इंची, 38 इंची, 42 इंची और 45 इंची के मॉडल जो है अपने पास, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा ट्रैक्टर एनवीटी जेड मॉडल थ्रेसर को चला पाएगा। सर इसके अलावा बात करें माल की क्वालिटी के बारे में जी, जो माल की सफाई करते हैं पंखे, तो सर आपने ये पंखा बंद कर रखा है सर, इसका क्या मतलब है सर? देखो जैसे ही पंखे को आगे से बंद किया, अच्छा, जैसे अगर खोल दिया तो ये आगे जाएगा, बिल्कुल आगे बिल्कुल जाएगा। माल क्लीन लेना है हाँ। तो इस पंखे को बंद करो, ये फिल्टर थोड़ा नीचा करो, पूरे का पूरा जो है फिल्टर के माध्यम से जो कचरा है ड्रम के अंदर चला जाएगा और दाना आगे भी नहीं जाएगा। सर इसके अलावा बात करते हैं पर RPM के बारे में, बहुत से किसानों को दिक्कत आती है कि सर जो आगे पुली लगी हुई रहती है उसके सर हमें RPM समझ में नहीं आ रहे हैं, तो सर आप बताइए कि सर जो आगे पुली लगी हुई रहेगी नीचे वाली बड़ी पुली पे तो हवा कम बनेगी या ज़्यादा बनेगी? जी इसको समझने की जरूरत नहीं है, इसमें 4 स्टेप दिए हुए हैं हाँ? किसान चाहे जितनी हवा कम और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हवा कर सकता है, 2 या 3 स्टेप के नहीं है, 4 स्टेप इसके अंदर हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर जेड मॉडल के अंदर। तो 3 व्हील के अंदर सर आपने मशीन बनाई हुई है, तीनों व्हील हैवी हैं जी। RPM की बात हो गई, ट्रैक्टर की बात हो गई सर, अब हम बात करते हैं जो पहले आपने मॉडल निकाला है प्लस प्लस मॉडल, काफ़ी डिमांड थी किसान भाइयों की, काफ़ी पसंद किया किसानों ने इस मॉडल को। देखो सर चाहे NVT प्लस प्लस गुजरात मॉडल की बात करें, चाहे NVT जेड मॉडल की बात करें,
तमाम तरह की फसलें निकाली जाएगी। जैसे सरसों की बात करें, ये मूंग उर्द की बात करें, सोयाबीन की बात करें, ग्वार की बात करें, बाजरी की बात करें, चने की बात करें, मूंगफली की बात करें, सॉरी मूंगफली तो नहीं निकलेगी इसके अंदर, बाकी सब जीरा, तमाम तरह की फसलें NVT प्लस प्लस गुजरात मॉडल और NVT जेड मॉडल से निकाली जाएगी। अगर सूखे गिले की बात करें, अगर किसान भाई पौधे को हाथ से लेके तोड़ेंगे, आधा टूट जाएगा, आधा मुड़ जाएगा, ऐसा मल्टीक्रॉप थ्रेसर से माल निकाला जाएगा बैक टोकरी के अंदर। तो किसान भाइयों, सर ने बताया कि ये मशीन लोन पे भी अवेलेबल है जी, और किसान भाइयों को बिल्कुल सर लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। चेक होते ही 72 घंटे के अंदर अंदर किसानों को लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा हिंदुस्तान के किसी भी कोने के अंदर। तो किसान भाइयों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कैसे लगे हमारे ये मॉडल? और मक्कन सिंह जी से आशा करते हैं कि सर आप ऐसे ही कार्य करते रहिए, किसान भाइयों के लिए अलग मॉडल बनाते रहिए, और किसानों से ये वादा करते हैं कि आपके हम हमारे द्वारा किए हुए वादों पर हम पूरा खरा उतरेंगे, और किसानों से उम्मीद करते हैं कि इसी तरह NVT के साथ जुड़े रहें। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आशा करते हैं किसान भाइयों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक और अगले वीडियो में, जय जवान जय किसान।